नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अप्रैल में दक्षिण भारत और उत्तर भारत एक नए रेल मार्ग से आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ, उदयपुर अहमदाबाद गेज कन्वर्जन, जिसकी लंबाई करीब 300 किलोमीटर के आसपास है, पूरा हो जाएगा। मार्च में 29 तारीख को आखिरी सेक्शन खारवा चांदा से जयसमंद रोड के 39 किलोमीटर सेक्शन का CRS होने वाला है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है, जिसके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे अपनी पूरी ताकत से कार्य कर रहा है। वहीं इस लाइन का विद्युतीकरण खारवा चांदा उदयपुर की ओर से किया जाने लगा है। राइट्स कंपनी के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। 300 करोड़ की लागत से यह कार्य होना है तथा 2 साल में इसको पूरा किया जाएगा, ऐसा अधिकृत तौर पर सामने नहीं आ रहा, लेकिन 2023 के अंत तक इसको पूरा किया जा सकता है। आने वाले समय में लंबी दूरी की कई ट्रेनें जो कि उदयपुर और अहमदाबाद में खत्म होती थी, उनका सबसे पहले विस्तार इसमें किया जाएगा तथा आने वाले समय में नई गाड़ियां भी इस रूट पर चलाई जाएंगी। वहीं कुछ ट्रेनें जो कि लंबे मार्ग से जाती हैं, उनको इस छोटे मार्ग से चलाए जाने की भी तैयारी रेलवे के द्वारा की जा रही है। 2 साल पहले जो IRTTC की बैठक हुई थी, उसमें कुछ ट्रेनों के नाम इसमें सामने आए थे, जिनको कि रूट बदल कर चलाया जा सकता है। वहीं अब इस महत्वपूर्ण सेक्शन के लिए तैयारियाँ विभिन्न स्टेशनों पर की जा रही है, जिसमें कि 3 जो सुरंगें बनी हुई है उदयपुर से हिम्मतनगर के बीच में, उनका फाइनलाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। सही जो ओडा पुल है, वह इस सेक्शन का सबसे लंबा पुल है, उस पर भी कार्य किया जा रहा है। और 1600 करोड़ की लागत से वर्ष 2004 में शिलान्यास किए गए इस प्रोजेक्ट को 2014 की सरकार बनने के बाद में तेज गति मिली। 10 साल इस पर कुछ भी कार्य नहीं हुआ था, वहीं जो फिलहाल के 8 साल है, इसमें काफ़ी तेज गति से कार्य किया जा रहा है। आदिवासी बाहुल्य वागड़ अंचल और पर्यटन का नया केंद्र बन सकता है तथा इस सेक्शन के पूरा होने से उदयपुर से अहमदाबाद आने जाने में केवल 5 घंटे ही लगेंगे। पूर्व में जो मीटर गेज ट्रेन चलती थी, वह काफ़ी अधिक समय लेती थी। वर्तमान में लोग बसों से उदयपुर से अहमदाबाद का आवागमन करते हैं, जो कि काफ़ी खर्चा देता है। इस वजह से लोगों की काफ़ी समय से मांग थी कि इस गेज कन्वर्जन कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, तो वह पल अब आने ही वाला है। शुरुआत में जब तक इस पर इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा नहीं होता है, तो डीजल इंजन की सहायता से ट्रेनें चलाई जाएंगी। सबसे पहली गाड़ी जो इस सेक्शन में चल रही, वो डूंगरपुर असारवा गाड़ी को ही विस्तार करके उदयपुर तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद में जो भी ट्रेनें इस रूट पर नई चलाई जाएंगी, उनके नाम समय समय पर सामने आएंगे। डीजल इंजन से चलने वाली ट्रेनें सबसे पहले इंजन बदलने की समस्या से बचने के हिसाब से विस्तारित की जा सकती हैं, जो भी अहमदाबाद में आकर या उदयपुर में आकर खत्म होती है, जिनमें डीजल इंजन से संचालन किया जाता है, उन्हें इस रूट पर सबसे पहले दौड़ाया जा सकता है। पूरे देश की निगाहें इस महत्वपूर्ण गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट पर लगी हुई है। इससे अप्रैल में दक्षिण भारत और उत्तर भारत की दूरी कम हो जाएगी और साथ ही 8 साल के बाद में क्षेत्रवासियों को फिर से सीधी कनेक्टिविटी अहमदाबाद से उदयपुर की मिल जाएगी, जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।